हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आपका स्वागत है हमारे चैनल हेमंत टैग ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने अब आपने देखा होगा समर स्टार्ट हो गए हैं, मतलब गर्मियां शुरू हो गई, स्टार्टिंग हो गई हैं। तो अब इस टाइम पर जो हमारे चाहे सिम्फनी हो, कैन स्टार हो, क्या ही मॉडल्स होते हैं, फिलहाल तो मैं बेसिकली सिम्फनी के कूलर्स की वीडियो बनाता हूं, जैसे उसके स्पेयर पार्ट्स या पैड्स। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम लेके आए हैं लोगों के कमेंट्स के लिए सिम्फनी हाईकूल आई का कूलिंग पैड, और दोस्तों वो भी ओरिजिनल, लोकल नहीं, ओरिजिनल ब्लू कलर का सिम्फनी का हाईकूल का। तो हम देखते हैं, उसका प्राइस देखेंगे और जानेंगे उसके मतलब उसकी कितने मतलब थिकनेस कितनी है और कितने टाइम तक ये चलेगा, यही मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली उसमें। और दोस्तों ये जो प्राइस होगी, ये जो जैसे अब मैं दिल्ली में मैं रहता हूं जैसे, तो जो दिल्ली के सर्विस सेंटर्स हैं सबकी देखो अलग अलग थोड़ा बहुत प्राइसिंग में फर्क आता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे जो अब मैं इसमें प्राइस बताऊंगा, किसी सेंटर में हो सकता है 40 या 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो, किसी में 100 हो, इस टाइप का होता है। लेकिन मैं जो प्राइस बताऊंगा ये जेन्युइन प्राइस होगी और सिम्फनी की ही प्राइस होगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे सिम्फनी हाईकूल आई कूल हनीकूम पैड की तरफ। तो दोस्तों ये रहा वो बॉक्स जिसकी मैं आपको बता रहा था। देखो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, ये आप पहले यहां से देख लो एक बारी, ठीक है? इसमें दो पीस हैं, मैं एक पीस को निकाल लेता हूं और दोस्तों इसको मैं कर देता हूं बंद, ठीक है? इसको रख देते हैं साइड में। ये है दोस्तों हमारा जो सिम्फनी का जो हाईकूल आई मॉडल होता है उसके लिए होता है दोस्तों ये पैड। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी, मैं आपको वही बताता हूं। ये आप ये जो पैड देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये पैड आपने देख लिया, अब मैं आपको डाइट का पैड दिखाता हूं, जो डाइट 50i या डाइट 20i या डाइट 35 तीनों में लगता है, ठीक है? मैं आपको वो दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है वो डाइट का पैड, जैसा कि पहले ही मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में आप जाके देख सकते हो, आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। और ये मैंने एक डाइट की जो चेंज करा था, रिप्लेस करा था, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इसमें फर्क है, कंपनी सेम है दोस्तों, सिम्फनी का हमारा ब्लू कलर है, और जो थिकनेस की मैं बात कर रहा था, थिकनेस दोस्तों जो डाइट वाला है उसकी थोड़ी कम मिलेगी आपको, यानी कि ये 1.5 इंची के समथिंग है। दोस्तों ये आती है हमारी 2 इंचेस, ये आती है थोड़ी, ये हमारी 2 इंचेस में आती है, ठीक है? अब साइज की मैं बात कर लेता हूं तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये यहां रखा हुआ है, ये हमारा हाईकूल का है, ये हमारा डाइट का है। तो डाइट वाले को हम रख देते हैं इस साइड में। तो बात हम करने वाले थे हाईकूल की, ठीक है? इसमें दोस्तों ये जो पैड है हमारे पास, ये आपका हाईकूल आई का पैड है। तो ये आपका पैड आपका हाईकूल आई का, हाईकूल आई में तो लगता ही लगता है। ये दोस्तों आप इसको 1035 में भी लगा सकते हो, 1035 में भी यही लगता है। बस थोड़ा सा क्या होता है, जैसे हाईकूल आई में तो सीधे फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है? 1035 में ये जो उसका जो पीछे आपने देखा होगा फिल्टर होता है, जिस किसी ने नहीं देखा हो तो मैंने एक अनबॉक्स सॉरी डाइट 35 कूलर को पूरा रिपेयर किया था, उसको ओपन कैसे करना है, कैसे बंद करना है, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो भी आपको मिल जाएगी, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें हल्का सा जो पीछे का जो उसका फिल्टर होता है उसको हल्का सा यहां से डैमेज करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा तोड़ना पड़ता है ताकि वो फिट हो जाए, उसमें भी दोस्तों यूज कर लेता। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। तो दोस्तों प्राइस इसकी रहेगी कुछ, हमारा ये जो मॉडल है हमारा, इसकी जो प्राइस है ये है आपकी 550 की जो प्राइस है, ठीक है? इस वाले मॉडल की, ये जो डायरेक्ट हमारा सॉरी हाईकूल आई के लिए, ये आप 1035 में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जैसे कि मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था उसमें क्या होता है, जैसे मान लो सेंटर के, अब जैसे पहले विजिटिंग चार्ज लगते थे, जो अगर आप सिम्फनी में कंप्लेंट बुक करोगे तो पहले विजिटिंग चार्ज 400 हुआ करते थे, जो कि दोस्तों 400 ना होके 472 रुपीज हो गए हैं। ये मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूं, बाकी मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, इन सब का अलग अलग होगा, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी मैं दिल्ली का आपको बता रहा हूं। और दिल्ली में हमारे 12 सर्विस सेंटर है, 2 हमारे अंडर में आते हैं एज ए टेक्नीशियन जिसमें मैं काम करता हूं, मैं आपको उसके बताता हूं। उसके जहां से ये हमारा जो दिल्ली का नियर बाय सेंटर है, जो दिल्ली वाले हमारे दोस्त हैं या दिल्ली वाले सब्सक्राइबर हैं, वो सर्विस सेंटर का मैं एड्रेस लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका एड्रेस पूरा प्रॉपर,
आप वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, थिकनेस हम जो ये देख रहे थे ना, मैं आपको जो बता रहा था नहीं जी, आप शॉप पे जाओगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आप जो आप लेटेस्ट मॉडल लेने जाते हो, मतलब लेटेस्ट कोई भी मॉडल लेते हो सिम्फनी का, अगर आप हनीकॉम में जा रहे हो तो हनीकॉम के अंदर आपको क्या मिलता है, ये ब्लू कलर का आ रहा है हनीकॉम। सबसे पहले दोस्तों जो हनीकॉम आता था वो आता था लाइट ब्राउन, उसके बाद दोस्तों आने लगा ये हमारा ब्लू कलर। तो मैं यही चीज आपको बताता, ये याद रखना जो सीरियल नंबर होगी वो जो ओल्ड सीरियल नंबर होगी वो तो सीरियल नंबर से पता लग जाता है कितने साल पुराना है कूलर। तो जिसमें लाइट ब्राउन होगा वो दोस्तों ओल्ड मॉडल होगा, मतलब तो सॉरी पुराना जो किसी का स्टॉक होगा तो उसमें लाइट ब्राउन आपको पैड मिलेगा। बाकी जितने भी टॉप मॉडल आ रहे हैं अभी से नहीं, अभी 2022 स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, ये समर हमारा ये सीजन स्टार्ट हुआ है, तो 2021-19 के मतलब मिड में आ चुका था ये ब्लू। तो अब जो भी आप कूलर खरीदोगे तो आपको ये आप देख सकते हो आपको ये ब्लू ही मिलेगा। तो इसकी थिकनेस है 2 इंच मोटाई रहती है इसकी, जो थिकनेस है ना, मोटाई के बारे में सारा खेल इसकी मोटाई का होता है। अब दोस्तों ये तो हो गई कंपनी वाली प्राइस, अब इसमें क्या होता है कि आप लोकल लेते हो, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि ये आपको कंपनी से मिल रहा है तो ओरिजिनल है, ये याद रखना। सर्विस कुछ सर्विस सेंटर ऐसे हैं जो मैंने भी देखे हैं कि कई जगह पे क्या हो रहा है, ये इस पैड की जगह डार्क ब्राउन कलर का पैड लगाया जा रहा है, तो दोस्तों वो ना लगवाएं, क्योंकि उसकी है तो वो भी हनीकॉम पर इसके मुकाबले उसकी जो वो है, जो जैसे कहने का मतलब है कि हनीकॉम वैसे तो कूलर के ऊपर लिखा रहता है एवरी ईयर कूलिंग पैड चेंज, एवरी ईयर मतलब हर साल हमें चेंज करने, लेकिन दोस्तों अगर हनीकॉम को भी आप साफ, जैसे मैंने एक बार ये एक पैड साफ कैसे करना है उसकी वीडियो बनाई थी, जो डाइट जिसमें हमने डाइट का पैड लिया था, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो उसका भी तरीका है आप इसको कैसे साफ कर सकते हो। तो मेनली पर्पस ये था कि आप अगर वो ऑर्डिनरी वाला पैड लगाते हो तो उसमें क्या होता है, डस्ट जो है जो जो ये कंज्यूम जो एयर को खींचता है और बाहर ठंडी फेंकता है उसमें दोस्तों काफी ज्यादा उसका जो ये जो कागज होता है काफी हल्की क्वालिटी का होता है, जो हनी कॉम होता है उसका बहुत ज्यादा पतली क्वालिटी होती है, इसकी वजह से वो गलने लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कंपनी का ही लें, बेटर लें ये आपका, अगर इसको क्लीनिंग भी करते रहेंगे एवरी ईयर के बाद तो ये आपका 2 से 3 साल आराम से निकाल देगा। हाँ ये एक अलग बात है जहां पे हार्ड वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टेड वाटर है वहां तो दोस्तों कई बार पैड 3-3 महीने में ही खत्म हो जाते हैं, झंड हो जाते हैं। तो दोस्तों मेनली पर्पस ये था, आपने देख लिया हाइकुलाई का पैड, ये आपका हाइकुलाई में और आपका टस 35 में, दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरा मत जाना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।